टारगेट मिल गया, अब तरकीब शुरू करो जल्दी। ओ, मिल गई। एक्शन फाइबर मूवी के सारे सीक्रेट्स इसी बुक में लिखे हैं। अब मैं आराम से यहाँ पर खड़े होके इसे पढ़ूंगा। चुप हो जाओ, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है एक पढ़ाकू बच्चा साइलेंटली रीडिंग कर रहा है। मुझे माफ कर दो। आगे से ध्यान रखना कि तुम मुझे डिस्टर्ब ना करो। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ, बुक सेलर की नौकरी बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग होती है। क्या तुम बुक सेलर की नौकरी करना चाहते हो? शिनचैन, अब तुम यहाँ पर एक स्पेशल एम्प्लॉय की तरह काम करोगे, समझ गए? मुझे कितनी सैलरी मिलेगी? अगर तुम अच्छे से नौकरी करोगे तो हम तुम्हें खाने के लिए मिठाई देंगे। मिठाई आप ही खाइए, मुझे तो पैसे चाहिए। चैन, जब तुम यहाँ पर किसी को भी खड़े होकर बुक्स पढ़ते देखो तो उसे सीरियसली मना करना, समझ गए ना? मैं समझ गया। बहुत अच्छे मैडम, आपने तो कमाल कर दिया। इसी को कहते हैं जहर को जहर से मारना। गर्ल्स मैगजीन कॉर्नर में एक लड़की खड़े होकर मैगजीन पढ़ रही है, उसे जाकर देखो। ठीक है। ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। खड़े होकर बुक्स पढ़ना मुश्किल काम है। मैंने आसानी से इसे गेट से बाहर निकाल लिया। मेरी ड्राइविंग पहले से बेहतर हो गई है। वाह मिर्ची, बहुत अच्छे। बेहतर हो गई है से आपका क्या मतलब? इसका मतलब है बढ़िया हो गई है। ये नहीं हो सकता। इमोशनल डैमेज। क्या मतलब है तुम्हारा, बताओ? क्या नहीं हो सकता, मैं पूछ रही हूँ, बताओ। गाड़ी चलाते वक्त शांत रहना चाहिए। सुनिए मैम, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। क्या बोर हो रहे हो? तो क्या करूँ? अच्छा चुपचाप बैठूँ? वो तो मैम कभी नहीं हो सकता। मुझे ड्राइविंग करते वक्त बिल्कुल डिस्टर्ब मत किया करो, समझे? आप ही ने तो बोला कि आपकी ड्राइविंग बेहतर हो गई है। मेरी ड्राइविंग कितनी भी बेहतर हो गई हो, ड्राइविंग के वक्त तुम मुझसे बात मत करो। ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, हमेशा वही। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आती कि आपने ड्राइविंग स्कूल में सीखा क्या है। क्या तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते शिनचैन? कहाँ है पार्किंग पर? अरे वहाँ जगह खाली है। शिनचैन, तुम ठीक तो हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी बेटा? मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मुझे चोट नहीं लगती। अच्छा। मुझे मालूम है तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। अरे अरे जरा इधर देखो, तुम गाड़ी कहाँ देखकर चला रही थी आंटी, बताओ। क्या कहा आंटी? कंट्रोल। नहीं नहीं, ऐसे समय पर मुझे शांत रहना चाहिए। आंटी कोई आपको बुला रहा है, जरा उनकी बात तो सुनिए। तुम अपना मुंह बंद रखो, समझे तुम शिनचैन? शांत हो जाओ मिर्ची, शांत हो जाओ। ओह, मेरी गाड़ी पर ये डेंट तो देखो। तुम्हारी गाड़ी से ज्यादा डेंट मेरी गाड़ी में है। हाँ, सही कर। आंटियों को गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, इन्हें समझ आए तब ना। शायद ड्राइविंग करते समय आप सड़क नहीं देखती। ये तो मुझ पर इल्जाम लगा रही है। सुनो, मैं सामने देखकर ही गाड़ी चला रही थी, समझी? मैंने सही कहा ना शिनचैन? हाँ, ये गाड़ी चला रही थी और साथ साथ में मुझे डांट भी रही थी। क्या तुम्हें डांट रही थी? शिनचैन, अपने मुंह पर ताला लगाओ। आपके बच्चे ने आपकी सच्चाई सामने ला ही दी ना आंटी। तुम सारा इल्जाम मुझ पर क्यों डाल रही हो? वैसे भी ये गलती मेरी तरफ से नहीं हुई है। मेरी तरफ से भी नहीं हुई। ठीक है, तो पुलिस को बुला लेते हैं, वही फैसला कर देगी। ये पुलिस की कार आएगी, पुलिस की कार। चलो फायर ब्रिगेड को भी बुला लेते हैं और एम्बुलेंस को बुला। अब एम्बुलेंस भी बुला रहे हैं। ये तो कमाल की पुलिस कार है, बहुत बढ़िया।
अंकल साइरन तो बजाना। मॉम जब आपका पिछली बार किसी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ था तो पुलिस साइकिल पर आई थी और इस बार तो बहुत बड़ी गाड़ी पर आई है, ये तो तरक्की पर है। अच्छा तो चलिए सबसे पहले अपना नाम और पता बताइए। मारुचा का टाउन 12 ब्लॉक, नाम सुमिको यामाकावा, उम्र 23 साल। तो हुआ यूं कि मैडम की कार इस तरफ से आई और आपकी कार इस तरफ से आई, क्यों? मैंने ठीक कहा ना? अरे मेरे फेवरेट सीरियल का टाइम खत्म हो रहा है। द थंडर हेड ऑफ लव मेरा फेवरेट सीरियल है और आज मुझे उसका रिपीट टेलीकास्ट देखना था। पर मैंने तो रिपीट टेलीकास्ट देखा था। ये फंस गया। तुमने कहाँ देखा? उसका टेलीकास्ट टाइम तो अभी है। पर मेरी कार में टीवी है, मैं अभी अभी उसका आखिरी सीन ही तो देख रही थी और सीन देखते देखते ही तो वो टक्कर हो गई थी। ये मैंने क्या बोल दिया? तो बात ये है कि आप गाड़ी चलाते वक्त टीवी देख रही थी, क्यों? चलो काम खत्म हुआ, इसी के साथ हमारे आज के समाचार खत्म हुए।